पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्मयोग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पुनर्तः शुद्ध न हो जाए और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्मयोग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। ज्ञान के आलोक में वे शरीर को नवद्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दोषरहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं, किंतु सांसारिक लोग यह जाने बिना कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख वास्तव में कष्टों के कारण है। अतः वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। आगे यह अध्याय संन्यास के मार्ग का वर्णन करता है। कर्म संन्यासी अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वे बाह्य सुख के विचारों को बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वे भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को संपूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया है कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा, अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास कर्मों के त्याग का मार्ग की प्रशंसा की और आपने कर्म योग भक्ति के साथ काम करने की भी सलाह दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। दोस्तों, कर्म संन्यास दो प्रकार से होता है। 1. एक तो संन्यास वह होता है जिसमें साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर हट करके जंगल में बैठ जाता है तथा शास्त्र विधि रहित साधना करता है। दूसरा, घर पर रहते हुए भी हठयोग करके घंटों एक स्थान पर बैठकर शास्त्र विधि त्याग कर साधना करता है। ये दोनों ही कर्म संन्यासी हैं। कर्मयोग का विवरण, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाल बच्चों सहित सांसारिक कार्य करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करता है, या विवाह न करा कर घर पर या किसी आश्रम में रहता हुआ संसारिक कर्म अर्थात सेवा करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है। ये दोनों ही कर्मयोगी हैं। दूसरी प्रकार के कर्मयोगी वे होते हैं जो बाल बच्चों में रहते हैं तथा साधना शास्त्र विधि त्याग कर करते हैं, या शादी न करवा कर घर में रहता है या किसी आश्रम में सेवा करता है। ये भी कर्म योगी ही कहलाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसे मेरे लिए कहिए। श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्म योग, ये दोनों ही परमश्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। दोस्तों, सर्वोच्च भगवान ने कहा, कर्म संन्यास कर्मों का त्याग
और कर्म योग भक्ति में काम करना दोनों मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्लोक 3। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वो सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्मयोगी न किसी वस्तु की इच्छा करते हैं न द्वेष करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी समझना चाहिए। वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले कर्मयोगी का विवरण है कि जो श्रद्धालु भक्त चाहे बाल बच्चों सहित है या रहित है या किसी आश्रम में रहकर सद्गुरु व संगत की सेवा में रत है, वह सर्वथा राग द्वेष रहित होता है। वास्तव में वही सन्यासी है। वही फिर अन्य शास्त्र विरुद्ध साधकों को पूर्ण निश्चय के साथ सत्य साधना का ज्ञान स्वतंत्र होकर बताता है। श्लोक 4। अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, केवल अज्ञानी ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग भक्ति में काम को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो अपनी अटकलों को लगाकर कोई कहते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जिन्होंने शादी नहीं करवाई है, अर्थात ब्रह्मचारी रहकर घर पर या आश्रम आदि में साधना करने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं कि शादी करवाकर बाल बच्चों में रहकर कर्म करते करते साधना करना श्रेष्ठ है, वे दोनों ही नादान हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सही भिन्न भिन्न बताएगा कि शास्त्र विधि अनुसार साधना से दोनों को समान फल प्राप्त होता है। श्लोक 5। जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है वह भक्ति में कार्य करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वे वास्तव में चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। श्लोक 6। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति कर्म योग में कर्म किए बिना पूर्ण त्याग कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, लेकिन कर्म योग में निपुण ऋषि शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 7। कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मयोगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे प्रत्येक जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं। श्लोक 8। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ भोजन करता हुआ चलता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। श्लोक 9। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म योगी बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। ऐ धारणा वाला होता है।
दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मयोग में दृढ़ रहने वाले लोग देखने, सुनने, छूने, सूंघने, हिलने डुलने, सोने, सांस लेने, बोलने, मलत्याग करने, पकड़ने और आंखें खोलने या बंद करने में लगे हुए भी हमेशा सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपनी वस्तुओं के बीच घूम रही हैं। श्लोक 10, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। दोस्तों, जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से अछूते रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। श्लोक 11, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। दोस्तों, योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। श्लोक 12, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बांध जाता है। दोस्तों, सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्मयोगियों को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य से कार्य करते हैं वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। श्लोक 13, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। दोस्तों, जो देहधारी प्राणी आत्म नियंत्रित और अनासक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। श्लोक 14, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। दोस्तों, न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, न ही वह कर्मों का फल बनाता है, ये सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। श्लोक 15, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। दोस्तों, सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव भ्रमित है क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। श्लोक 16, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। दोस्तों, लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है, जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। श्लोक 17, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। दोस्तों, जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन है, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। उनके पाप ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। श्लोक 18, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय हाथी कुत्ता और नर भक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। दोस्तों, सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। श्लोक 19। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तत्वज्ञानी मनुष्य का मन संभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। दोस्तों, जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण है और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान है। श्लोक 20। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। दोस्तों, परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। श्लोक 21। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। दोस्तों, जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। श्लोक 22। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। दोस्तों, इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। श्लोक 23। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। दोस्तों, वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। श्लोक 24। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। दोस्तों, जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है, जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। श्लोक 25। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 26। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होता है।
दोस्तों, ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 27-28 श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। दोस्तों, समस्त बाह्य इंद्रियां सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्लोक 29 श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोगता समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं वे परम शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुसपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा, स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी, इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा, इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था।
पांचवें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के पांचवें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्री भगवान कहते हैं, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, ये पांचवें अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा, वो तुमने सुना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई श्रीमद् भगवद् गीता के बारे में जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आपका हर सपना सच हो। धन्यवाद।